जय हिंद भाई सारे कैंडीडेट्स नूं, तां एक बार फिर आया थोड़े वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लैके। अज की क्लास के गल करांगे खोज अते आविष्कारां दी। इह जिहड़ी क्लास है दोस्तों सारे एग्जामां वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट है, भावें कोई भी एग्जाम होए, आने वाला पंजाब पुलिस का होए जां फिर पटवारी का होए, रेलवे का होए, सारे एग्जामां वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुसीं इसका डेटा वधिया तरीके नाल याद कर लेना, माड़ा मोटा तुसीं याद करना, बाकी तुहानूं ट्रिक दे राहीं सारा डेटा इस वीडियो दे विच ही याद करवा दांगे। सो वीडियो नूं तुसीं पूरा आराम दे नाल देख लिओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन ते लग्गिया होया, पुछिया गया जी ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया। ये जिहड़ा ट्रैक्टर अपना खेत वाहण वाला हुंदा है इसका आविष्कार किने करिया तुसीं दसना है, जे पता तां फटाफट तुसीं कमेंट करके दस दो। तां इसका सही जवाब है जी रॉबर्ट फार्मिच ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ट्रैक्टर का आविष्कार करिया सी जी रॉबर्ट फार्मिच ने। तां तुसीं इहनूं ट्रिक बना के याद कर सकते हो, फार्मिच फार्मिच नूं तुसीं फार्म ते मिर्च समझना है, ठीक है। फार्म मतलब खेत, तां फार्म दे विच मिर्च जिहड़ी है दोस्तों किहदी हैल्प नाल लाई जांदी है, ट्रैक्टर दी। ते उंज वी फार्म ते ट्रैक्टर दा बहुत ही गहरा रिलेशन हुंदा है, तुहाडा ऑप्शन जिहड़ा सही टिक हो जाएगा। अगे चलदे हां सवाल नंबर दो दी गल करदे हां। पुछा गया है जी रेडियो दा आविष्कार किहने करिया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पता नहीं किन्नी बार एग्जाम दे विच रिपीट हो चुका है। तो रेडियो दा जिहड़ा आविष्कार है किहने करिया, जे तुहानूं पता है तो जरूर तुसीं कमेंट करके दस्सिओ। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार करिया सी। ते इस दी निक्की जी ट्रिक सुन लो, अज तो चलो रेडियो नहीं चलते, बट अज तो कई साल पहला रेडियो का यूज़ होंदा सी, तां रेडियो कई बार खराब हो जाते सी, सू सू करन लगते सी, ठीक है। तो लोग की करते सी उन्हूं कोहणियां मार मार के ठीक करते सी, की करते सी उन्हूं कोहणियां मार मार के ठीक करते सी। तो इस तरीके नाल थोड़ी ट्रिक बन जाएगी, रेडियो का आविष्कार किने करिया सी मार्कोनी ने, ठीक है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार करिया सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर तीन दे विच पुछा गया जी टेलीफोन का आविष्कार किने करिया सी। ए भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसका जवाब तो तुसी ईजली क्लिक कर सकते हो, ग्राहम बैल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। टेलीफोन आता दोस्तों की बजती है, उसकी बैल बजती है, ठीक है। तो इस तरीके नाल तुसी याद कर सकते हो टेलीफोन का आविष्कार करिया सी ग्राहम बैल ने। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, पुछा गया जी मशीन गन का आविष्कार किसने करिया, जे तुहानूं पता है जरूर तुसीं कमेंट करके दस्सिओ। मशीन गन का जिहड़ा आविष्कार है ये करिया सी जी जेम्स पकल ने। किने करिया सी, जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार करिया सी। ते निक्की जी ट्रिक तुसीं बना सकते हो इसकी, मशीन गन जिहड़ी है उहनूं जोर दे नाल पकलना जरूरी हुंदा है, नहीं तां निशाना इधर उधर हो जांदा है, ते तां मशीन गन नूं जोर दे नाल पकलना पैंदा है, ठीक है। तो इस तरीके नाल तुसीं इसकी ट्रिक बना सकते हो। अगे चलते हैं सवाल नंबर पांच की गल करते हैं, तो पुछा गया जी ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने करिया, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने करिया। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे तो भाई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इन्होंने तीन चार जो आविष्कार है तुम याद कर लो। अगे चलते हैं सवाल नंबर छे की गल करते हैं, पूछा गया जी पनडुब्बी का आविष्कार किसने करिया। यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जामों में बन सकता है, तो जो तुम पता तो फटाफट कमेंट करके दस दौ पनडुब्बी का आविष्कार किने करिया। तो सही जवाब है जी इसका डेविड बुसनेल। किने करिया जी, डेविड बुसनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार करिया। हुण इंज तां याद रखना औखा हो जाएगा, बट तुसीं ध्यान नाल सुनो, ये जिहड़ा डेविड बुसनेल है इस दे वर्ड विच तुसीं देखो नेल जाने कि नल, ठीक है, नलका जिहनूं कहिंदे आ, नल की आवाज़ आ रही है, तो नल दे विचों की निकलता जी पानी, तो पनडुब्बी भी पानी दे विच चलती है। तो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं रिलेट करके याद कर सकते हो कि जिस बंदे दे नाम दे विच नलका वर्ड आएगा, नल वर्ड आएगा, उही पनडुब्बी का आविष्कारक होएगा। तो इस तरीके नाल तुसीं याद कर सकते हो। चलते हैं सवाल नंबर सात की गल करते हैं, पुछा गया जी बिजली दे पंखे का आविष्कार किसने करिया। ये जिहड़ा अपना बिजली वाला पंखा हुंदा है छत ते लमकदा रहिंदा है, इसका आविष्कार किहने करिया सी। तां इसका आविष्कार करिया सी जी हविलर ने। किना करिया सी, ऑप्शन सी बिजली वाले पंखे का आविष्कार करिया सी जी हविलर ने। हुण इहनूं तुसीं किद्दां याद करोगे, ये जिहड़ा पंखा है तुसीं देखिया होएगा चलण, जदों ये चलता है तो हिलदा भी रहिंदा नाल नाल, ठीक है। तो हिलदा रहिंदा मतलब हविलर, हवा दे नाल नाल हिलर भी रहिंदा, हिलदा भी रहिंदा है। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं याद कर सकते हो, बिजली दे पंखे का आविष्कार जिहड़ा है हविलर ने करिया, हवा दे नाल नाल हिलण वाले बंदे ने करिया, ठीक है। तो ये थोड़ी ट्रिक बन जाएगी। अगे चलते हैं सवाल नंबर आठ दे विच पूछा गया जी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने करिया। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तुहानूं भी पता है कि पटवारी जिहड़ा एग्जाम है उस विच आई टी ते कंप्यूटर का एक बहुत वड्डा पोर्शन होएगा, तो तुसीं इहनूं उस पोर्शन दे विच भी शामिल कर सकते हो, ते जीके दे विच भी शामिल कर सकते हो। तो फटाफट दसो भाई माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने करिया। सही जवाब है जी ऑप्शन ए एम ई होफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जिहड़ा है वह करिया सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर नौ की गल करते हैं, तो पूछा गया जी मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने करिया सी, मोटरसाइकिल का आविष्कार किने करिया सी। तो इसका सही जवाब है जी डी जी डैमलर। मोटरसाइकिल का आविष्कार करिया सी जी जी डैमलर ने। अगे चलते हैं सवाल नंबर दस की गल करते हैं, तो पूछा गया जी शोर मंडल की खोज किसने करी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शोर मंडल की खोज किने करी। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 10-15 कैंडिडेट का जरूर इसका सही जवाब लिखणगे। तो इसका जिहड़ा सही जवाब है जी वह है जी ऑप्शन ए कॉपरनिकस। शोर मंडल की खोज करी सी जी कॉपरनिकस ने। अगे चलते हैं
सवाल नंबर 11 की गल करते हैं तो पूछेगा जी रडार का आविष्कार किसने करया। रडार जान दो जिहड़ा हवाई जहाजों के जिहड़े हवाई जहाजों को पकड़न वास्ते यूज होंगे उही होंदा जी रडार। तो तुसीं दसना है इसकी आविष्कार किने करी सी। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए फटाफट कमेंट करके जरूर दस्यो। तो इसका जिहड़ा सही ऑप्शन है वह है जी रॉबर्ट वाटसन वाट। की है जी रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार करिया सी। तो इहनूं तुसीं स्टार ला के याद कर लियो। रडार का आविष्कार करिया सी जी रॉबर्ट वाटसन वाट। हुण तुसीं इहदी ट्रिक किदां लाओगे। ये जिहड़ा रडार हुंदा है जिहड़ा भी जहाज इसकी रेंज दे विच आ जांदा है उसकी की हो जाती है वाट लग जाती है। ठीक है उपजण जोगा भी नहीं रहिंदा आपदी रेंज दे विच जिहड़ा आंदा उसकी की लग जाती है वाट लग जाती है। ठीक है तो इस तरीके नाल तुसीं याद कर लियो। अगे चलदे आ सवाल नंबर 12 दे विच पुछा गया पेपर का आविष्कार किसने करिया। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो पेपर भाई इसकी खोजबीन हुई सी चाइना के। ठीक है तो तुम उस बंदे का ना दसना है जिन्हें इसकी खोज करी सी इसका आविष्कार करिया सी। ता सही जवाब है जी ऑप्शन बी मुलबेरी फाइबर। मुलबेरी फाइबर ने पेपर का आविष्कार करिया सी। ते हुण इसकी ट्रिक सुन लो भाई ध्यान नाल। पेपर जिहड़े अपने नोट नहीं होंदे भावें 10 दा होए 20 दा होए। ठीक है ये जिहड़े है इन्हां दे कागज़ दे विच फाइबर लगे होंदे रेशे लगे होंदे कपा दे ताकि नोट जिहड़ी है उसकी एज वध जाए ते वह छेती कटे फटे ना। ठीक है तो यह सही गल है कि जिहड़ा कागज़ हुंदा है उस दे विच फाइबर हुंदा है। तो तुसीं याद कर लेना कि जिहड़े बंदे दे नां दे विच फाइबर आवेगा उसे ने ही कागज़ की खोज करी सी। अगे चलते हैं गल करते हैं सवाल नंबर 13 की। तो पूछा गया जी सीमेंट का आविष्कार किने करिया। इतने थोड़ी जी मिसटेक हुई है तो तुम सुन लो ध्यान। सीमेंट का आविष्कार किने करिया। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं तो फटाफट तुम जवाब देने की कोशिश करो। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी जोसेफ अगडीन ने सीमेंट की खोज करी सी। सीमेंट का आविष्कार करिया सी किने करिया सी जोसेफ अरगडीन ने। हुण तुसीं किद्दां याद करोगे ये जिहड़ी सीमेंट हुंदी है तुसीं देखिया होएगा इसदी लोग भांत भांत दे डिजाइन बना लेंदे आ। ठीक है कोई गमले बना लेंदा है कोई कुछ बना लेंदा है तो भांत भांत दे डिजाइन इस दे नाल बन जांदे आ। यानी कि सीमेंट जिहड़ी है उहनूं किसी भी शेप दे विच तुसीं ढाल सकदे हो जो मर्जी थोड़ी। ठीक है तो इस तरीके नाल ट्रिक बन जाएगी जो मर्जी शेप दे विच तुसीं इहनूं ढाल सकदे हो। तो जो शेप ने करी सी सीमेंट की खोज। अगे चलदे आ गल करदे आ 14 नंबर सवाल की। तो पूछा गया जी डीजल इंजन का आविष्कार की ने करिया सी। डीजल इंजन का आविष्कार किने करिया सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार एग्जामों के पूछा जा चुका है। तो डीजल इंजन की भाई खोज करी सी रूडोल्फ डीजल ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इस दिन आदे विच भी डीजल मिल जाएगा तो ईजली तुसीं इहनूं क्लिक कर सकते हो। अगे चलते हैं सवाल नंबर 15 की गल करते हैं। पूछा गया जी विद्युत बैटरी का आविष्कार किने किया। अपनी जी बिजली वाली बैटरी होंगी है। ठीक है इसका आविष्कार किने करिया सी तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी एलेसांड्रो वोल्टा। ठीक है एलेसांड्रो वोल्टा ने बिजली वाली बैटरी की खोज की सी। तो बिजली दे विच की हुंदा है वोल्टेज होंदी है तो ये नाम दे विच भी थोनू वोल्टा मिल जाएगा। तो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं रिलेट करके याद कर सकते हो। अगे चलते हैं सवाल नंबर 16 की गल करते हैं। सवाल नंबर 16 दे विच भाई पूछा गया बाईसाइकिल का आविष्कार किसने करिया सी। बाईसाइकिल हुंदी है जी साइकिल। ठीक है इहदा आविष्कार किने करिया सी। इसका आविष्कार करिया सी जी ऑप्शन सी के मैकमिलन ने। किने करिया सी के मैकमिलन ने। तो हुण इहनूं तुसीं किद्दां याद करोगे साइकिल दे जिहड़े दोवें पैडल हुंदे आ उहनां नूं मिला के चलाना पैंदा है मिला के उहनां नूं मारना पैंदा है फिर ही साइकिल चलदी है। ठीक है जे तुसीं एक पैडल नूं ही हिलांदे जाओगे तो साइकिल नहीं चलेगी। तो इस तरीके नाल तुसीं याद कर सकदे हो पैडल जिहड़े आ उहनां नूं मिला के चलाना पैंदा है तां ही साइकिल चलदी है। ठीक है अगे चलदे आ सवाल नंबर 17 की गल करदे आ। पुछा गया जी कंप्यूटर का आविष्कार किसने करिया सी। तो इसका जवाब तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दसोगे कि कंप्यूटर का आविष्कार किने करिया सी। तां सही जवाब है जी ऑप्शन डी चार्ल्स बेबिज ने कंप्यूटर का आविष्कार करिया सी। सवाल नंबर 18 दे विच पुछा गया जी विद्युत जनरेटर का आविष्कार किने करिया सी। विद्युत जनरेटर का आविष्कार किने करिया सी। तां इसका सही जवाब है जी माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत जनरेटर का आविष्कार करिया सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 19 की गल करते हैं। पुछा गया जी कैलकुलेटर का आविष्कार किसने करिया सी। कैलकुलेटर जिहड़ा आपां गिणती मिणती वास्ते यूज करते हैं इसका आविष्कार किने करिया सी। तां इह करिया सी जी ऑप्शन बी पास्कल ने। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने करिया सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 20 की गल करते हैं। पूछा गया जी रिवाल्वर का आविष्कार किने करिया सी। रिवाल्वर का आविष्कार किने करिया सी। ते रिवाल्वर नूं तो आई थिंक समझाउण दी कोई लोड़ नहीं है सारे जाणदे है। तो इसकी जिहड़ी खोज है वह करी सी जी सैमुअल कोल्ट ने। किने करी सी सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर की खोज करी सी। तो तुसीं ज़्यादा कुछ तो इसकी याद की रखोगे इदा याद रख लियो कोल्ट नूं तुसीं बुलट याद रख लियो। ठीक है कोल्ट बुलट कोल्ट बुलट तो बुलट जिहड़ी है वो रिवाल्वर दी यूज होंदी है बस इदा करके तुसीं याद रख लेना। बाकी तुसीं कोल्ट याद रख लियो ईजली तुसीं इह सवाल जिहड़ा सही कर दोगे। अगे चलते हैं
सवाल नंबर 21 की गल करते हैं, पूछा गया जी कारबोरेटर का आविष्कार किने करया सी, ते ए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपोर्ट होया है। तो इसका जो सही जवाब है जी ऑप्शन डी डिमलर, कारबोरेटर का आविष्कार जोड़ा है जी डेमलर ने करया सी, तां इहनूं तुसीं याद रख लियो। सवाल नंबर 22 की गल करते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परमाणु की खोज किसने करी सी, परमाणु की खोज किने करी सी तुसीं दसना है, जे पता तां फटाफट दस दो, नहीं तां ध्यान नाल सुन लो। इस दी खोज करी सी जान डाल्टन ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, परमाणु की खोज जान डाल्टन ने करी सी। तो ये याद रखने की ट्रिक तुसीं छोटी जी सुन लो, जिहड़ा परमाणु बम हुंदा है ये किसी भी आर्मी के जान डाल दिंदा है, की करदा है परमाणु बम किसी भी आर्मी के जान डाल दिंदा है, यानी कि आर्मी भावें कमजोर होए बट जे उन्होंने कोल परमाणु बम है तो वह फिर बहुत वड्डी हो जाती है, ठीक है, तो परमाणु बम जिहड़ा है जान डाल दिंदा है। अगे चलते हैं सवाल नंबर 23 की गल करते हैं, पूछा गया जी रेडियम की खोज किने करी सी, तो इसका जवाब तुसीं फटाफट कमेंट करके दसो, क्योंकि सवाल तुसीं स्कूल टाइम ही वधिया तरीके नाल पढ़ लिया सी। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की सी, ठीक है। सवाल नंबर 24 पूछा गया जी डायनमो का आविष्कार किने करिया सी, डायनमो का आविष्कार किने करिया सी, तुसीं दसना ट्रैक्टर के भी डायनमो लगे होंगे लाइट बनाने वास्ते, ठीक है। तो फटाफट इसका जवाब तुसीं कमेंट करने की कोशिश करो, तो डायनमो की जिहड़ी खोज है वह करी सी जी माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे ने, इतने थोड़ी जी टाइपिंग दे विच मिस्टेक हुई है, तुसी ठीक कर लियो, माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 25 दे वल, पूछा गया जी थर्मामीटर का आविष्कार किसने करया सी, थर्मामीटर जिहड़ा बुखार नापण वास्ते यूज होंदा है, तुसी दसना इसका खोज किने करया सी, बहुत ईजी है, तो आई थिंक तुसी सोच भी लिया होएगा, इस दी जिहड़ी खोज है फारनहाइट ने की सी, किने की सी फारनहाइट ने, तो फारनहाइट के भी टैंपरेचर होंगे, तो इस तरीके ट्रिक बना के याद कर सकते हो, फुल ना तुसी इसका देख लो, डेनियल गेब्रियल फारनहाइट इसका फुल ना है, तो जर्मनी के 1714 थर्मामीटर की खोज की गई सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 26 की गल करते हैं, पूछा गया जी ग्रामोफोन का आविष्कार किने करया सी, तो यह बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फटाफट तुम दसो जो थोड़ा पता है, तो ग्रामोफोन का आविष्कार किने करया सी, तो इसका सही जवाब है जी एडिसन, थॉमस अलवा एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की सी, ते ग्रामोफोन के नाल इन्हें होर की खोज की सी बल्ब की, ठीक है, याद आ गया, ये भी तुसी पता नहीं 7वीं 8वीं जमात में पढ़िया होना। अगे चलते हैं सवाल नंबर 27 की गल करते हैं, पूछा गया जी प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने करया सी, किने करया सी, ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, पता है तो फटाफट कमेंट करके दस दौ, सही जवाब है जी डेनिस पेपिन ने, किने करया सी, डेनिस पेपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार करया सी, डेनिस पेपिन ने। तो हूँ तुम इन्हों कि याद रखोगे, पिंपणी नहीं होंगी, बच्चे जो बजाते फिरते मेले के अक्सर पिंपणियाँ मिलती है, ठीक है, तो पिंपणी के वांग भी कुकर भी सीटियाँ मारता है, ठीक है, कुकर आपके हिसाब के पिंपणी बजाता है, तो बच्चे आपके हिसाब के पिंपणी बजाते हैं, तो इस तरीके तुम इन रिलेट करके याद कर सकते हो, जिस दे नाम के पिंपणी आएगा उन्हें ही कुकर की खोज की सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 28 की गल करते हैं, पूछा गया जी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किने किया, इतने भी टाइपिंग थोड़ी जी मिसटेक हुई है, तो फटाफट तुम दसने की कोशिश करो कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किने किया, ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, तो जो सही जवाब है ऑप्शन सी जान गुटरबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की सी, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तो तुम्हें याद कर लियो, ठीक है, तो उन भी अखबारों के जोड़े है गुट्टे बन्ने होंगे वे वे इस तरीके भी तुम याद कर सकते हो, अखबार भी प्रिंटिंग प्रेस तो निकल के आते हैं, तो उन्होंने व्डे व्डे गुट्टे बन्ने होंगे। अगे चलते हैं सवाल नंबर 29 की गल करते हैं, पूछा गया जी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किने करया सी, मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किने करया सी, ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, तो सही जवाब है जी ऑप्शन डी, तिन्हां ने मिल के ही ट्रांजिस्टर की खोज की सी, ते तुसी मैनूं कमेंट करके दसना है कि जिहड़ा ट्रांजिस्टर है किहड़ी पीढ़ी दे विच यूज़ करिया गया सी कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर वाली क्लासां जे तुसी लाई है तो तुहानू पता होएगा, तुसी कमेंट करके जरूर दस्यो। अगे चलदे आं अज दे आखिरी सवाल दे वल, ते पुछा गया जी डायनामाइट का आविष्कार किसने करिया सी, क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, डायनामाइट का आविष्कार किने करया सी तुसी दसना है, ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, तो सही जिहड़ा जवाब है वह है जी अल्फ्रेड नोबल ने, किने करया सी, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार करया सी, ते बाद विच इन्हां दे नाते ही शांति फैलाउण वास्ते नोबल पुरस्कार जिहड़ा है वह लोगों को दिता गया, तो इन्होंने ही बई डायनामाइट की खोज की सी। सो यह अज की क्लास में कोशिश करी है कि निकी निकी ट्रिकों के राही डेटा जो थोड़े माइंड घुस जाए, तो तुम कई बार होर इस क्लास में देख लियो, बस सिर्फ देखना है, तुम ज़्यादा माइंड से प्रेशर नहीं लेना, सारा डेटा थोड़ू याद हो जाएगा। जो वधिया लगी क्लास में लाइक शेयर जरूर कर दिए, कमेंट करके भी दस दौ, दोस्तों जो कैंडिडेट नोट्स लेना चाहते एक बार डिस्क्रिप्शन में निगाह मार लो, उ नोट्स मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के
ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਬਟ ਐਤਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।